हेलो एवरीवन, मैं हूँ अपना। वेलकम टू अपनाज किचन। फ्रेंड्स, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो आज मैं लाई हूँ फोर्थ समर ड्रिंक की रेसिपी। बहुत ही हेल्दी हैं और बच्चे बड़े सभी इन्हें ले सकते हैं। तो अगर आप ये पियेंगे तो आपको कभी भी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये ड्रिंक आप व्रत में भी ले सकते हैं। व्रत में कोई कमजोरी, कोई वीकनेस आपको नहीं लगेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और ये ड्रिंक आप बहुत ही ईजी वे में बना सकते हैं। तो मैंने देखिए कांच का जार लिया है। आप कोई बाउल भी ले सकते हैं, कोई भी बर्तन ले सकते हैं। अब मैंने इसमें करीब 6 से 7 जो ब्लैक वाले ग्रेप्स होते हैं ना, वो इसमें डाल दिए हैं। और मैंने 3 से 4 पुदीना के पत्ते जो तोड़ के मैंने इसमें डाले हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी। तो अगर आप शुगर फ्री बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसमें शुगर फ्री ऐड कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे 2 चम्मच पिसी हुई चीनी ऐड करूँगी। तो पुदीना के पत्ते ज़रूर ऐड करें, इससे बहुत ही ज़्यादा फ्रेशनेस आती है और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और ये ड्रिंक जो हमारा है बहुत ही हेल्दी बनने वाला है, क्योंकि मैंने इसमें ग्रेप्स ऐड किए हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को एक वुडन स्पेचुला की हेल्प से इसको क्रश कर लेंगे। देखिए इस तरह से, आपके पास बेलन है तो आप बेलन से भी इसको क्रश कर सकते हैं। देखिए इस तरह से इसको अच्छे से हमें क्रश कर लेना है, ताकि जो हमारे ग्रेप्स हैं, पुदीना है और जो मैंने इसमें चीनी ऐड की है, वो अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको बहुत अच्छे से मैश करना है और अभी बहुत अच्छे से मैश भी हो गया है। अब हम यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे चिल्ड वाटर। तो आप अपने हिसाब से जितना भी ठंडा पानी आप पीना चाहते हैं उतना ठंडा पानी आप यहाँ पे ऐड करें। तो मैं बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे पियेंगे तो बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी इसमें ऐड किया है, मतलब बहुत ज़्यादा चिल्ड वाटर ना लें। और अगर आप इन्हें बहुत ज़्यादा गर्मियों में बना रहे हैं, जैसे मई और जून में, तब आप इसमें चिल्ड वाटर ऐड कर सकते हैं। और बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बच्चों को ध्यान में रखते हुए इसमें पानी ऐड करें। अभी देखिए मैंने यहाँ पे ये 2 चम्मच लिए हैं सब्जा के सीड। तो ये 2 चम्मच सब्जा के सीड मैंने करीब आधा कप पानी में 15 मिनट पहले ही भिगो के रख दिए थे। देखिए इस तरह से फ्रेंड्स, सब्जा के सीड आप अपने ड्रिंक में ज़रूर ऐड करें। और इससे फालूदा भी बनता है, लेकिन फालूदा की रेसिपी मैं आपसे बाद में शेयर करूंगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से होते हैं सब्जा के सीड। मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं और इनके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हाई शुगर लेवल को कम करते हैं और हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करते हैं, साथ ही हेयर फॉल को भी रोकते हैं और वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुए हैं। तो मैं यहाँ पे करीब 2 चम्मच सब्जा के सीड इसमें ऐड करूँगी ग्लास में। और अब हम अपना ग्रेप शरबत इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए हमारा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और इम्यूनिटी बूस्टर हमारा शरबत बन के तैयार है। तो देखा आपने कितनी जल्दी बन गया और बहुत ही हेल्दी है। तो बच्चों को आप इसे ज़रूर दें। अगर बच्चे सब्जा सीड नहीं खाते हैं तो सब्जा सीड के बिना भी आप उन्हें ये दे सकते हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे करीब 2 से 3 आइस क्यूब। और देखिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बन गया है हमारा ग्रेप शरबत। और इसे आप इंजॉय कर सकते हैं, कभी भी आपके यहाँ कोई मेहमान आए तो उन्हें भी सर्व कर सकते हैं। और बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी हमारा ग्रेप शरबत बन के तैयार है। तो इसे मैंने डेकोरेट किया है पुदीना लीफ से और ये बहुत ही टेस्टी है। तो आप बनाइए, इंजॉय कीजिए। मैं बनाती हूँ अपना दूसरा ड्रिंक। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 ऑरेंज लिए हैं। ऑरेंज को मैंने कट कर लिया है देखिए इस तरह से। और अब हम यहाँ पे इसका जूस निकालेंगे। तो एक बाउल ले लीजिए, बाउल में इस तरह से इसको हाथ से प्रेस करके इसका जूस निकाल सकते हैं। अगर आपके पास जूसर है तो आप जूसर से भी इसका जूस निकाल सकते हैं। और एक और ट्रिक है, जो कि जो कांच का ग्लास होता है ना, उसको आप उल्टा करके रख दीजिए, उसकी पीछे की साइड ऑरेंज को थोड़ा सा प्रेस करते रहिए तो इसका जूस आसानी से निकल आएगा। तो मैंने फिलहाल इसी तरह से निकाल लिया है। अब हम इसको छान लेंगे। तो छानने से जो इसके रेशे होते हैं वो भी निकल जाएंगे और इसमें जो सीड होते हैं वो भी निकल जाएंगे। तो देखिए मैंने इसको छान लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच पिसी हुई चीनी, क्योंकि मिठास आप अपने हिसाब से ज़्यादा या फिर कम कर सकते हैं। ऑरेंज मीठा होता है, बट इतना मीठा नहीं होता कि जब हम इसका शरबत बनाएं तो ये मीठा लगे। बच्चे तो नहीं पियेंगे बिना चीनी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच चीनी ऐड की है। साथ ही मैंने यहाँ पे 2 से 3 पिंच काला नमक ऐड किया है। अब हम इसमें चिल्ड वाटर ऐड कर देंगे और अब हम यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे आइस क्यूब्स। तो यहाँ पे 2 से 3 आइस क्यूब ऐड कीजिए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच सब्जा के सीड। ये टोटल ऑप्शनल है, अगर आपको इसमें सब्जा के सीड नहीं पसंद है तो आप इसमें सब्जा सीड ना ऐड करें। और फ्रेंड्स एक और बात, सब्जा सीड को आप भिगो के फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। आप 2 से 3 दिनों तक इसको यूज कर सकते हैं, ख़राब नहीं होंगे। और अभी देखिए हमारा जो शरबत है मैंने मिक्स कर दिया है। अब हम इसकी गार्निश करेंगे पुदीना लीफ से।
तो देखिए इस तरह से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी हमारा ड्रिंक बनके तैयार है। तो इसे आप इन कड़कती गर्मियों में ज़रूर ट्राई करें, आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा और जो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है ना वो बिल्कुल नहीं होगी। तो अब चलिए बनाते हैं अपना तीसरा ड्रिंक। तो यहाँ पे मैंने एक कांच का ग्लास लिया है और अब हम इसमें आधा नींबू का जूस इस तरह से निकाल लेंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे करीब 2 चम्मच चीनी। तो पिसी हुई चीनी यहाँ पे ऐड करें और यहाँ पे चीनी को पीस के ही ऐड करें, नहीं तो अच्छे से मिक्स नहीं होगी। और अब हम यहाँ पे 2 छोटा चम्मच ऐड करेंगे सब्जा सीड। फ्रेंड्स सब्जा सीड के बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं तो इसको आप इस रेसिपी में ज़रूर ऐड करें। तो देखिए अब मैं यहाँ पे 3 से 4 पुदीना की पत्ती इस तरह से तोड़ के इसमें ऐड कर दूँगी। तो अब देखिए यहाँ पे हम इसमें वाटर ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आप चिल्ड वाटर ले सकते हैं या फिर आप नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं। और इसके ऊपर हम आइस क्यूब ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम 2 से 3 पिंच ऐड करेंगे काला नमक, साथ ही मैंने जीरा पाउडर भी इसमें ऐड किया है। और अब देखिए इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं और देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी अच्छा सा नींबू पानी बनके तैयार हो गया है। तो नींबू पानी तो सभी बनाते हैं बट जब आप इस तरह से बनाएंगे ना तो ये थोड़ा सा हेल्दी भी हो जाएगा और पीने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। अब हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 आइस क्यूब और लीजिए हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नींबू पानी बनके तैयार है। मैंने इसे डेकोरेट किया है पुदीना लीफ से। तो चलिए अब बनाते हैं अपना चौथा ड्रिंक। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, ग्लास ही ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रॉबेरी ली है जो बड़ी थी, आप 2-4 जैसी जितना बनाना चाहें बना सकते हैं, मैं फ़िलहाल 1 ग्लास ही बनाऊँगी। तो इसीलिए मैंने एक स्ट्रॉबेरी ली है, अच्छे से उसको धुल के काट लिया है और उसमें मैंने करीब 2 छोटा चम्मच पिसी हुई चीनी ऐड की है। और अब मैंने करीब 5 से 6 पुदीना की पत्ती ली हैं जिन्हें मैंने अच्छे से देखिए इस तरह से तोड़ लिया है। तो इस तरह से जब हम पुदीना की पत्ती तोड़ के डालते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। और अब हम इसमें डाल देंगे 5 छोटे छोटे अंगूर। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन ग्रेप्स लिए हैं, तो आप चाहें तो आप सिर्फ स्ट्रॉबेरी से ही बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर डाल देंगे करीब 2 पिंच काला नमक और अब हम 1 स्पून लेंगे और स्पून की हेल्प से इसको अच्छे से हम क्रश करेंगे देखिए इस तरह से। तो आप चाहें तो आप इसको फोक से भी क्रश कर सकते हैं, अच्छे से मैश हो जाएगा। बट इसको आप जूसर या फिर मिक्सी में पीसें बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब पीस जाएगा तो एकदम पतला सा पेस्ट बन जाएगा। बट जब हम इस तरह से ऐड करेंगे ना तो इसके 1-2 बाइट मुंह में आएंगे जब हम इसको पियेंगे, तो बहुत ही अच्छा लगता है ये। तो देखिए हमारा स्ट्रॉबेरी क्रश बन के तैयार हो गया है इस तरह से देखिए। तो इसको पीसना नहीं है, इसको इसी तरह से स्पून से ही क्रश करना है। और अब देखिए मैंने एक ग्लास लिया है जिसमें आप सर्व करना चाहते हैं, उसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच सब्जा सीड और अब हम इसमें डाल देंगे स्ट्रॉबेरी और ग्रेप्स का क्रश इस तरह से। तो आप सारा इसमें डाल दें क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं था, 1 ग्लास के लिए इतना ही इनफ है। फ्रेंड्स अगर आप व्रत में बना रहे हैं तो व्रत में आप काला नमक ना डालें, इसकी जगह आप सेंधा नमक डाल सकते हैं। और अगर सब्जा सीड व्रत में नहीं खाते हैं आप तो सब्जा सीड के बिना भी इन्हें बना सकते हैं। और इसमें आप स्ट्रॉबेरी सिरप भी डाल सकते हैं या फिर रोज़ सिरप भी डाल सकते हैं। और अगर आप रोज़ सिरप डाल रहे हैं या फिर स्ट्रॉबेरी सिरप तो आप चीनी कम डालें। और अभी देखिए हम इसमें डाल देंगे चिल्ड वाटर और आइस क्यूब, मैंने 3 डाल दिए हैं। देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी बहुत ही हेल्दी स्ट्रॉबेरी शरबत बन के तैयार है। तो आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा शरबत सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और आपको कौन सा शरबत सबसे ज़्यादा पसंद है। तो देखिए मेरे ये 3 शरबत बन के तैयार हैं और ये रहा नींबू पानी। तो देखिए हमारे 4 ड्रिंक बन के तैयार हैं, बहुत ही टेस्टी बहुत ही हेल्दी और एनर्जी से भरपूर। तो आप जिसे भी इसे पिलाएंगे वो आपकी तारीफ करते नहीं थकेगा। तो आप खुद भी बना के पी सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है आजकल, तो आप भी बनाइए इंजॉय कीजिए। और कमेंट में मुझे बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, साथ ही शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।